इंटरनेशनल मार्केट में आपके इलाके के फलों की मांग हो रही है। अल्लाह का करम है, बादशाह बेगम की बरकत और मुरीदों के एतकाद से उसने पीरापुर की जमीन की ज़रख़ेज़ी बरकरार रखी। वाह, कितना जूसी सेब है ना। आपने खाया भाई उसे? अल्लाह के बाद आप लोग ही हमारी ताकत, और ये किसान, अल्लाह ने चाहा तो अगले साल इससे भी अच्छी फसल होगी इंशाल्लाह। ये क्या बदतमीजी है मुराद, हाकिम बी ने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा रखा है। तुम उठाकर कहीं भी चले आते हो, इंसानों के जानवरों। आजकल इस हवेली में बहुत से ऐसे लोग मुंह उठाकर चले आते हैं जो तमीजदार तो क्या, आपकी नजर में इंसान खिलाने के भी लायक नहीं है। मतलब शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन कैसर को इस हवेली में मधु किया गया है, उसकी बेटी की पैदाइश की मुबारकबाद देंगे। और तो और, बादशाह बेगम ने खुद उस बच्ची के अकीके की रसूमात को अपने मुबारक हाथों से अदा करने का फैसला किया है। क्या बकवास कर रहे हो मुराद? बकवास मैं नहीं कर रहा हूं भाई, मैं तो आपकी तरह किसी चीज के लायक भी नहीं हूं, लेकिन ये खबर यकीनन आपके लिए मुबारक नहीं है। पीरापुर की हवाएं कैसर हवेली का रुख कर रही हैं, बहुत जल्द ये जमीन इतनी जरखेज नहीं रहेगी। आप फल खाइए, हो सकता है आपको कल ये भी नसीब ना हो।